दिल्ली की IAS फैक्ट्री, डूब कर मरे UPSC के छात्र, हादसे की पूरी कहानी। उनका बच्चा घर पे रिजल्ट छोड़ो, घर पे वापस जिंदा ना जा पाए, इससे बड़ी शर्म की क्या बात है। ये एक फैक्ट्री है, इंक्यूबेशन फैक्ट्री है UPSC की। कोर्ट मांगने आते हैं तो घर तक आते हैं, और जब कोई त्रासदी होती है तो अपने घर में बैठ के लेटर लिखते हैं। सर, सुबह उनके पेरेंट्स पूछेंगे क्या हुआ, उनको क्या जवाब देंगे कि आपके बच्चों के पढ़ते पढ़ते मौत हो गई। हमें एक्सपेक्टेशन है कि डेथ टोल में भी इससे ज्यादा हो सकता है। ये एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में शनिवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ स्थित राउज IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भरने से दो छात्राओं और एक छात्र की जान चली गई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ मुकुंद और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी बिल्डिंग के बेसमेंट में बनी थी, जहाँ सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले छात्र पढ़ाई कर रहे थे। भारी बारिश के चलते कोचिंग सेंटर के सामने मुख्य रोड पर काफी पानी भर गया। शाम 6:30 बजे के करीब सड़क पर भरा हुआ पानी अचानक राउज IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरने लगा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जिस समय बेसमेंट में पानी घुसा, उस वक्त वहां पर 35 छात्र छात्राएं मौजूद थे। पहले तो कोचिंग सेंटर के कर्मियों और वहां मौजूद छात्र छात्राओं ने खुद ही बेसमेंट में फंसे लोगों को बचाने के प्रयास शुरू किए। ज्यादातर तो बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन कुछ अंदर ही फंस गए। पानी तेजी से भरने के कारण पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। करीब 30 मिनट के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, और तब तक सेंटर के बेसमेंट में पूरी तरह पानी भर चुका था। हादसे पर देश के भविष्य बनने वाले छात्रों का क्या कुछ कहना है, क्या आक्रोश है उनके भीतर, जरा सुनिए। मैं जिम्मेदार, पहली बात तो प्राइमरी जिम्मेदार तो हमारी जो MCT है, जो जिनकी देखरेख में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी, वो है। सेकंड, हम मेरे हिसाब से जो अक्यूज होने चाहिए वो हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो उनके डायरेक्टर होने चाहिए, बिकॉज उनके नेतृत्व में ही जो बिल्डिंग है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रॉपर ध्यान नहीं जाया गया है। उसके वजह से आई थिंक द मेन कल्प्रिट हियर इज द MCD एंड द डायरेक्टर हु नेग्लेक्टेड द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। ये कोई आई वुड से कि पहली बार हुआ, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो आउट ऑफ द ब्लू हो गया और हम सब लोगों को मक्खियों ने काटा और हम सब रोड पे इकट्ठे हो गए। ये रीअकरिंग एक सिचुएशन है। दूसरा ये है कि MCD हमारा रिपीटेड ऑफेंडर है। यहाँ पे सारे बेसमेंट में वॉशरूम चोक होता है, यानी सीवेज जो है वो बैक मारता है। सीवेज बैक मारने का मतलब है जितना भी सीवेज है वो बेसमेंट के वॉशरूम से बाहर आता है, यानी जो बच्चा अंदर है वो अंदर के पानी से भी फंस गया और बाहर से भी वो पानी से फंस गया। एक मिनट, हम लोग जिन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं वो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स है। यहाँ के डायरेक्टर्स और फैकल्टीज क्लेम करते हैं कि ये लोग पॉलिसी मेकर्स हैं और ये लोग जो है गवर्नेंस वगैरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें एक्सपर्टीज रखते हैं। तो क्या इन लोगों को नहीं पता था कि किस तरीके से ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स कैन अकर? क्या इनको ये नहीं पता था कि बिल्डिंग्स में फायर एग्जिट होना जरूरी है, फ्लड एग्जिट होना जरूरी है? आप लाखों की तादाद से बच्चों को यहाँ पर बुलाते हैं, उनसे फीस इकट्ठी करते हैं, उनके माँ बाप को झूठे आश्वासन देते हैं कि आपका बच्चा हमारी देखरेख में सुरक्षित रहेगा, और वो उसको करने, ये अपनी जो छोटी सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी जो बनती है, जो माँ बाप फी पे करके एक चीज एक्सपेक्ट करता है फैकल्टी से, और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट और कोई चीज एक्सपेक्ट करता है कि हमारा बच्चा सुरक्षित रहे। यहाँ पे उनकी जान के साथ जानबूझ के खेला गया है, क्योंकि 3 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ है वो इंसिडेंट वॉज इनफ टू ओपन द आईज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एवरी वन केप्ट मम ओवर इट। लास्ट ईयर मुखर्जी नगर में फायर
आप लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या डिमांड है आपकी, खासकर दिल्ली गवर्नमेंट एक्टिव हुई है? सुनिए हमारी बात, आपका सवाल मैं सॉरी बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगी। आपको यहाँ पर समझने की ये जरूरत है कि हम यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं और हम कोई भी पॉलिटिकल मुद्दे एंडोर्स करने यहाँ पर नहीं आए हैं। तो यहाँ पर हमारे जो दोस्त हैं उनकी जाने गई है, तो यहाँ पे ये बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है। यहाँ पे इसको हमको पॉलिटिसाइज नहीं करना है। यहाँ पे हम मीडिया से, हम पुलिस से, हर किसी से इस इशू पे सेंसिटाइज्ड जो है एक बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमें अभी तक नजर नहीं आया है। प्रशासन चुप है, जो राव स्टडी सर्कल का डायरेक्टर है वो चुप है, और तो और उनकी सारी फ्रेटर्निटी चुप है। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ओल्ड राजेंद्र नगर का वो चुप है, बिजली विभाग चुप है, पानी विभाग चुप है, हर जगह से चुप्पी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस ट्वीट कर रहे हैं और पॉलिटिशियंस आ रहे हैं। दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द कॉमन सिटीजन। हम उससे ज्यादा इस इशू के ऊपर पॉलिटिसाइज कॉमेंट्स पास नहीं करना चाहते हैं। जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारी डिमांड्स है, दे आर रेस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड वी वॉन्ट द कल्प्रिट हु इज मिस्टर वेद गुप्ता टू कम हियर, क्योंकि उनका यहाँ पे ना होना सिर्फ और सिर्फ ये चीज नहीं दिखाता है कि वो कितने चैन से इस इशू के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, वरना अभी तक उनकी नींदें उड़ जानी चाहिए थी। यहाँ पे लाइनों से तादार से यहाँ पे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स को प्रेजेंट होना चाहिए था। बता दें कि अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू में काफी परेशानी हुई। हालात बिगड़ने पर एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा। एनडीआरएफ ने पंप के सहारे बेसमेंट से पानी फ्लश आउट करना शुरू किया। गोताखोरों ने तलाश शुरू की तो अंदर 3 शव मिले। रावज आईएएस कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने बताया कि बेसमेंट में लाइब्रेरी के अलावा एक क्लासरूम भी बना है। बेसमेंट में आने और जाने के लिए एक ही रास्ता है। कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग बनाने के लिए करीब 400 गज का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही एक और यहां पर बात निकलकर सामने आ रही है कि बायोमेट्रिक गेट थे, जिस कारण यह हादसा और बड़ा हो गया। गेट खुल ना सका और छात्र फंसते चले गए। ग्राउंड फ्लोर पर यहां पार्किंग है और चारों फ्लोर पर क्लासरूम के अलावा अन्य कार्यों के लिए स्पेस उपलब्ध करवाया गया। छात्रों ने बताया कि हर बारिश में कोचिंग सेंटर के सामने और बेसमेंट में पानी भर जाता है, लेकिन इसके स्थायी समाधान के लिए कुछ नहीं किया जाता। यानी कि इस बात का जो अंदेशा लगाया जा रहा था कि कोचिंग सेंटर वालों को अंदाजा नहीं होगा कि बारिश का पानी इस तरह से भर जाएगा और वो बेसमेंट में जा सकता है, लेकिन ये तो हर साल की बात है। ये तो हमेशा से होता आया है कि सड़क पर पानी भरता है और पानी हमेशा खतरा पैदा करता है। चांसेस होते हैं कि वो बेसमेंट में जा सकता है। एक दूसरे छात्र ने बताया कि ओल्ड राजेंद्र नगर के 80% कोचिंग सेंटर्स में लाइब्रेरी बेसमेंट में ही बनी है। 10 मिनट की बारिश में यहाँ पर पानी भर जाता है। एमसीडी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच कराने के आदेश दिए। वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि जिन लोगों की लापरवाही के कारण ये पूरी घटना हुई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर स्वाति मालीवाल, जो कि आप सांसद हैं, वो भी काफी भड़कती नजर आई। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा इन्हें भी सुनिए। बच्चे बहुत दुखी हैं और बहुत गुस्से में हैं, और क्यों ना हो, 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। अभी तक ना तो दिल्ली सरकार का कोई मंत्री आया है, ना ही एमसीडी की मेयर आई है, कोई अधिकारी नहीं आया है। इन बच्चों को अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। मैं ये मानती हूँ कि ये जो मौत हुई है ये कोई डिजास्टर नहीं है, ये सीधे सीधे मर्डर है।